हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस और फिजिक्स इन क्लास 9th। द चैप्टर नेम इज मोशन। ये अपना फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स सेक्शन का, और इस फिजिक्स सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मोशन के बारे में। मोशन जो चैप्टर है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसके अंडर पढ़ाया जाता है, जो मोशन के अकॉर्डिंगली डील करती है। मोशन दैट मीन्स पार्टिकल्स का चलना। पार्टिकल्स अगर रुका हुआ है तो उसको रेस्ट पे बोलेंगे, और अगर पार्टिकल चल रहा है तो उसको मोशन में बोलेंगे। अगर अपन बात करें मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। एक ऐसी ब्रांच जिसमें अपन मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स के रेस्ट पे है, मोशन में है, चल रहा है, उन सारे चीज़ों के बारे में जब जिसमें स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दो टाइप की हो सकती है। मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट है काइनेमेटिक्स और सेकंड है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? इन दिस टाइप वी विल स्टडी अबाउट मोशन विदाउट कंसिडरिंग द रीज़न ऑफ दैट मोशन। जैसे अगर मैं एक बस में बैठा हुआ हूँ और बस चल रही है, तो मुझे केवल बस के बारे में पता है, बस कैसे चल रही है ये मुझे नहीं पता कि बस के अंदर ब्रेक लग रहे हैं, कि बस के अंदर एक्सेलरेटर दबाया जा रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है, उन सारी चीज़ों को उससे मुझे अगर कोई मतलब नहीं होता है और मैं बिना किसी उन मतलब के उस मोशन की स्टडी करता हूँ, तो वो है काइनेमेटिक्स। दूसरी चीज़ है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है? इन दिस टाइप वी विल स्टडी अबाउट मोशन विद कंसिडरिंग द रीज़न ऑफ दैट मोशन। दूसरे टाइप में अपन मोशन को कंसिडर, मोशन के रीज़न को कंसिडर करते हुए उसकी स्टडी करते हैं। तो एक में तो अपन मोशन को जो है रीज़न नहीं पढ़ते हैं, और दूसरे में मोशन का रीज़न पढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पर 9th क्लास में अपने केवल काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स के बारे में अपन नहीं बात करेंगे। डायनेमिक्स जो है वो अगले इस चैप्टर के आगे जाके थोड़ा सा डायनेमिक्स अपन को पढ़ने को मिलेगा, कि कैसे एक पार्टिकल चलता है, क्या करना पड़ता है पार्टिकल्स को चलाने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है मोशन होता क्या है, एक पार्टिकल को कब मोशन में कहते हैं। ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग का मतलब यह है कि मैं अगर किसी कमरे में बैठा हुआ हूँ, उससे चल के मैं अगर बाहर चला गया, दैट मीन्स मैं मोशन में हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं एक बस में बैठा हुआ हूँ और बस चल रही है, तो बस के रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन अगर कोई ग्राउंड से मुझे देख रहा है तो उसको मैं मोशन में दिखूँगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या है, एक ग्राउंड पे अगर एक बस में बैठे हुए कोई लोग हैं, वो एक दूसरे को अगर देखते हैं तो एक दूसरा उनको रेस्ट पे दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई ग्राउंड से उन सारे लोगों को देखता है तो ग्राउंड से मोशन में दिखाई देते हैं। दैट इज़ द मोशन। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग मतलब जिसमें वो बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजिशन को चेंज करता है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो मोशन में है, अदरवाइज़ वो रेस्ट पे है। इफ़ ए पार्टिकल डजंट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट इट विल बी एट रेस्ट। वो किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। वो किस पे होगा?